नमस्कार किसान भाइयों, आर्किपीडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह सोनाली चिक्स है। अगर सोनाली चिक्स को डे की बात करी जाए तो आज इसको 21वां दिन है। आज सोनाली चिक्स को हम एफ स्ट्रैंड का फास्टर डोज लगाएंगे। आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि मैंने डिंकर के बर्तन पहले से 3-4 घंटे पहले से हटा दिए हैं। डिंकर के बर्तन हटाने का कारण यह है किसान भाइयों, क्यों बच्चे प्यासे हो जाएंगे। जैसे कि बच्चे प्यासे हो जाएंगे और जब भी हम डिंकर के बर्तन रखेंगे तो यह काफ़ी तेज़ी से पानी पियेंगे। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह एफ स्ट्रैंड का फास्टर डोज है जो रानी खेत की बीमारी को दूर करता है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको थर्मस में रखा हुआ था, साथ में बर्फ़ भी रखा हूँ। बर्फ़ के संपर्क में रखना है क्योंकि अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रखें तो नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं। आप देख सकते हैं जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर को मैंने जो वैक्सीन थी वो पाउडर फार्म में मैं पानी मिला दिया है और इसको हल्के यहाँ से पानी में डाल दिया है। इस बात का किसान मित्रों विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पानी को ज़्यादा जम से नहीं हिलाना, क्योंकि जो वैक्सीन के अंदर रहता है पाउडर फॉर्म में ये लाइव वायरस रहता है। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से हिलाते हैं तो ये लाइव वायरस को क्षति पहुंच सकती है और यह निष्क्रिय हो जाएगा, यह किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, वैक्सीन करते समय हल्के हाथ से हिलाएं ताकि वायरस जो रहता है सुरक्षित रहे और जो मुर्गी के जो बच्चे पिए पानी उससे वैक्सीनेटर अच्छे से हो जाए। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं कि मैंने एक ड्रिंकर में वैक्सीनेटर जो पानी है, पानी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लाइव मैंने ड्रिंकर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि बच्चों में पानी पीने की प्रतियोगिता सी लग गई है, काफ़ी तेज़ी से बच्चे पानी पी रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बच्चे वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी तेज़ी से एक के ऊपर एक चढ़ते हुए ये पानी पी रहे हैं, क्योंकि अभी ड्रिंकर का बर्तन सिर्फ एक रखा है। थोड़ी देर में मैं दूसरा ड्रिंकर का बर्तन भी लगा दूंगा ताकि ये इस तरफ की जो भीड़ है वो उस तरफ भी चले जाए और बच्चे आज काफ़ी अच्छे से पानी पिएं। ये 21वें दिन की वैक्सीन है। आप लाइव देख सकते हैं कि बच्चे दूसरे ड्रिंकर में भी काफ़ी तेज़ी से पानी पी रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। 3-4 घंटे पहले ड्रिंकर हटाने का फ़ायदा यही रहता है कि बच्चे प्यासे हो जाते हैं और जब भी हम ड्रिंकर का बर्तन रखते हैं तो बच्चे काफ़ी तेज़ी से पानी पीने के लिए टूटते हैं और काफ़ी तेज़ी से ये वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये पानी पी लेंगे उतनी तेज़ी से वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन का असर नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा देर तक नहीं रहता, मुश्किल से एक कुछ समय के लिए वैक्सीन का असर रहता है। इसलिए जितनी अच्छे से अच्छे जितनी तेज़ी से ये पानी पी लें उतनी तेज़ी से ही वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसीलिए हम वैक्सीन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ड्रिंकर के बर्तन 3-4 घंटे पहले ही हटा दें। आप लाइव देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेटेड हो गए और उस तरफ से भी हल्के हाथ से इनको भगा देना है ताकि जो बच्चे पीछे बैठे हैं सुस्त बैठे हुए हैं वो बच्चे जो सुस्त बैठे हुए वो भी पानी पी लें। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हर बच्चा वैक्सीनेटेड पानी पी लें। देखिए मैं लकड़ी से के डंडे से लोहे के डंडे से इनको इस तरफ से उस तरफ भगा रहा हूँ जिससे कि सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं। आप भी इसी प्रकार करिए, क्योंकि जो कुछ बच्चे सुस्त बैठे रहते हैं वो बच्चे पानी नहीं पी पाएंगे तो वे वैक्सीनेटेड नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि उस तरफ से डंडे से भगा दें जिससे कि सभी बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि अगर कुछ बच्चे रह गए तो वह वैक्सीनेटेड नहीं हो पाएंगे। कृषक भाइयों, सर्वप्रथम मैंने 7 दिन की वैक्सीन का वीडियो बनाया था, इसको एफ स्ट्रैंड का 7वें दिन डोज दिया था, फिर 14वें दिन इसको गंभोरों का डोज दिया था। आज 21वां दिन है, 21वें दिन हमने इसको रानी खेत के बचाव के लिए एफ स्ट्रैंड का फास्टर डोज दिया है जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहें। अब कुछ कृषक मित्रों के मन में ये सवाल उठता रहता है, सर मैंने 100 बच्चे पाले हैं, 200 बच्चे पाले हैं, वे वैक्सीन करूं कि नहीं। वैक्सीन करने से ये रहता है, बर्ड के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है जिससे कि इनको जो बैक्टीरिया रहते हैं और जो वायरस रहता है जैसे रानी खेत के डिजार है, गंभोरों का डिजार है, इन बीमारियों से इनकी रक्षा कर